आइए फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताएंगे ऑफसेट के बारे में। केवल ट्रे में ऑफसेट कैसे बनता है और ट्रंकिंग में भी ऑफसेट कैसे बनता है। अगर ये चीज आप जान जाएंगे तो ट्रंकिंग में हो या केवल ट्रे हो, दोनों में आप ऑफसेट बना सकते हैं। तो ऑफसेट बनाने का एक फॉर्मूला भी है, इसका जो मेजरमेंट का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी आपको वीडियो के आगे मैं बताऊंगा। और इसको तीन स्टेप में बताएंगे, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। ये तीन स्टेप आप फॉलो करेंगे तो ऑफसेट आराम से बना सकते हैं। तो पहला स्टेप जो हमारा होगा, पहला स्टेप हमारा ये वाला होगा, और दूसरा स्टेप जो हमारा होगा वो ये होगा, और तीसरा जो हमारा स्टेप होगा वो ये वाला होगा। तो तीन स्टेप में आप कंप्लीट ऑफसेट बना सकते हैं किसी भी ट्रे, कोई सा भी साइज का ट्रे हो। ये जो हमारा केवल ट्रे का साइज आपको 300 × 50, ये जो साइज है 300 × 50 mm का केवल ट्रे है। आप इससे ऊपर भी बना सकते हैं, 150 का है, 100 का है, कोई सा भी केवल ट्रे का साइज है आप बना सकते हैं। बस एक फॉर्मूला आपको बताएंगे वीडियो के आगे, वो आप देखें और सीखें। तो सबसे पहले आपको ये बता दें, आपका समझ लीजिए ये हमारा एक केवल ट्रे है, ये जो हमारा है एक पूरा लेंथ है हमारा केवल ट्रे का। तो हमको ऑफसेट बनाने के लिए आपको ये देखना है कि हम जो हमारा जो ट्रे जा रहा है सीधा इस तरीके से सीधा जा रहा है, अब हमको लेफ्ट के साइड घुमाना है या राइट के साइड घुमाना है तो वो देखना है। घुमाने के बाद फिर हमको सीधा जो करना है, जैसे आप इधर से लेके आ रहे फिर इधर से लेके सीधा जो आप कर रहे हैं उसका में कितना दूरी होगा। जैसे आप ये वाला देख रहे हैं तो ये वाला हमारा देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ, और ये कितना होगा दूरी। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ हमारा दूरी इसका कितना, मतलब आप ये देख सकते हैं, आप ये सीधा ऐसे लाए, लाने के बाद फिर इस तरफ ऐसे घुमा के जब सीधा कर रहे हैं तो वो आपको देखना है कि आपको कितना रखना है। तो इसमें जो आपको बताएंगे 29 cm का ऑफसेट, इसका नाम है देख सकते हैं साइड ऑफसेट, कितना 29 cm का ये हमारा बनेगा। ये 29 cm का बनेगा, तो इसका जो मेजरमेंट है वो कितना करना है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें 300 × 50 का हमारा केवल ट्रे है, तो इसमें हम 12 cm का मार्किंग करेंगे। तो 12 cm का मार्किंग कहाँ कहाँ पे करना है तो वो सबसे पहले आप देख लें। ये जो हमारा है फर्स्ट निशान, ये हमारा देख सकते हैं फर्स्ट वाला निशान, और ये है सेंटर वाला, और एक ये है। तो ये दोनों जो हमारा निशान है यहाँ से यहाँ, तो ये जो हमारा होगा 12 cm, और फिर यहाँ से आप यहाँ अगर करेंगे ये वाला निशान तक तो यहाँ भी हमारा होगा 12 cm। मतलब ये जो हो गया हमारा 12 cm, इसमें भी हो गया 12 cm, बीच का वो आपको बताएंगे। ये एक साइड मुड़ेगा, जैसे ये हमारा ऑफसेट देख रहे हैं, एक साइड ये हमारा यहाँ से डाउन हुआ है, ये हमारा एक साइड से डाउन हुआ है। तो एक साइड से ये जो आपका मेजरमेंट है 12 cm 12 cm, ये हमारा 300 × 50 के केवल ट्रे में है, तो एक साइड के लिए। और दूसरा साइड के लिए आपको फिर यहाँ कितना सेंटी, फिर हमको सेम 12 cm, फिर इधर भी 12 cm आपको करना पड़ेगा, 12 cm 12 cm इस तरीके से आपको मेजरमेंट करना है। तो हमारा ये कितना हो गया, ये हमारा भी, मतलब ये भी टाइप से भी बना सकते हैं और बिना भी का भी बनता है। तो बिना भी का आप बनाएंगे तो कपलर इसके अंदर घुसता है, और भी अगर बनाएंगे तो इस तरीके से करके आपको वेल्डिंग मारना पड़ता है। तो ये हमारा एक सेंटर का निशान हो गया, तो 12 cm हमारा इधर हो गया और 12 cm हमारा इधर हो गया, और दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 24 cm हो जाएगा, 24 cm। अब सेम इसको हम ले लेते हैं, ये हमारा कितना है 12 cm + 12 cm, ये सेंटर वाला हमारा इसमें निशान होता है। ये जो भी आपको बताया वो इस तरीके से हुआ हुआ है। तो 12 cm 12 cm, तो दोनों मिला के हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24 cm, ये हमारा 24 cm। तो ये चीज 24 cm, ये भी हमारा 24 cm, 12 12 cm इस तरीके से आपको मार्किंग करना होता है। और इसके बाद आपको सेंटर वाले में, आपको सेंटर वाला जो हमारा है इसमें आपको क्रॉस मारना होता है। जैसे आपको हम बताएं कि भी मारना है तो भी आप कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। और आप ये याद रखें, आपको जिस तरफ घुमाना है, जिस तरफ मतलब घुमाना है उस तरफ इस तरीके से, उसके ऊपर वाले साइड में, जैसे हमको ये नीचे की तरफ लाना है तो इसका ये ऊपर का साइड ये हो गया, तो ये हमारा ऊपर का साइड हो गया। तो यहाँ पर आपको भी यहां से ये सेंटर पकड़ना है, जो ये वाला हमारा है नीचे की तरफ करना है, तो ये सेंटर पकड़ के इधर और इधर कर देंगे तो ये हमारा पूरा भी कटिंग हो जाएगा। और कटिंग आपको जो मार्किंग किए यहां से यहां करेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा।
और जो एक तरीका और है इसमें वो कैसे आप बनाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से आप ले लें इस तरीके से, और ये वाला हमारा, ये हमारा यहां हो गया इस तरीके से, और ये चीज आपका कटिंग हो जाएगा, मतलब इसका जो कॉलर है ये कटिंग हो जाएगा, और यहां से लेके यहां तक आप काटेंगे तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा ऑफसेट। और ये जो हमारा ये इतना जगह आपको दिख रहा है, ये चीज इसके अंदर आके घुस जाता है, ये हमको इसको बोलते हैं कपलर, ये कपलर इसमें बन जाता है, कटिंग आप करेंगे तो कपलर आपका बन जाएगा, तो इसके अंदर करेंगे तो ये हमारा इसके अंदर घुस जाएगा, तो नट बोल्ट 6 का लगाएंगे, वेल्डिंग करने की कोई जरूरत ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके का इलेक्ट्रिकल इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो पहला स्टेप आप समझ गए कि आपको कितना कितना करना है, अब दूसरा स्टेप में आपको बताएं, ये जो वी है इस तरीके से हमारा एक सेंटर में मार्किंग होता है, ये सेंटर से 12 सेंटी इधर 12 सेंटी हमारा कितना 24 सेंटी हो गया, उधर का भी और इधर का भी हमारा 24 सेंटी हो गया, और यहां पर आपको कितना रखना है, सबसे मेन जो है ना इसमें कितने सेंटी का ऑफसेट बनाना है, 29 सेंटी का, तो हमको मार्किंग 29 सेंटी का ऑफसेट बनाएंगे, तो इसके लिए मार्किंग हमको करना 41 सेंटी, कितना 41, तो 41 का कैसे आपको मेजरमेंट करना वो आपको बता दे, ये देख सकते हैं इसका पहला निशान है, एक सेंटर वाला दूसरा और ये तीसरा, जैसे आप इसमें समझ लें, ये हमारा पहला निशान है, ये दूसरा ये तीसरा, मतलब ये 1 2 3 सेम इसमें भी इसी तरीके से हो जाएगा, इसमें भी आपको बता दें 1 2 3 इस तरीके से है, तो हमारा 3 वाला जो हमारा निशान है, मान लीजिए आपका ये लास्ट वाला है, ये वाला, ये 3 वाला निशान से और ये हमारा 2 वाला निशान है, ये सेंटर है इसका, ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर वाला जो हमारा निशान है ये 2 नंबर है, तो 3 और 2 को इस तरीके से ये हमारा, ये मेजरमेंट हमारा 41 सेंटी रहेगा, तो हम यहां पे कितना लिखेंगे 41 सेंटी। अब ये आया कैसे वो भी आपको बता दें, ऑफसेट बनाना है साइड ऑफसेट 29 सेंटी का, कितना 29 सेंटी का, तो आपको क्या करना है 29 को इनटू करना है 1.414 से, जब इतना से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका जो आएगा आंसर हमारा आ जाएगा 41 सेंटी, कितना 41, तो यही 41 सेंटी को आप यहां से देख सकते हैं, यहां से आप मेजरमेंट कर सकते हैं, यहां से यहां तक सेंटर वाले निशान और फर्स्ट वाले निशान को पकड़ेंगे 41 सेंटी, एक बार में दोनों साइड मार्किंग करेंगे और कटिंग हो जाएगा, तो दो स्टेप में दूसरा स्टेप भी आपको समझ में आएगा, तीसरा स्टेप में हमारा ये ऑफसेट बन के रेडी हो जाता है, तो यही हमारा ऑफसेट है, फर्स्ट वाला इस तरीके से होगा, उसका सेकंड वाला ऊपर को होगा, मतलब एक भी देख रहे हैं इस तरीके से है तो ये नीचे की तरफ होगा, और इस तरीके से है तो ये ऊपर की तरफ होगा, तो ये हमारा ऑफसेट बन जाएगा, कुछ इसी तरीके से ऑफसेट बनाते हैं। फिर भी अगर कुछ सवाल रह गया हो या कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अगर आप अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके का इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए।